نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما عن سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فضلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم معزز معتکفین و معتکفات اور حاضرین و حاضرات اور معزز خواتین اور معزز سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم نعمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اور آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان کا آخری عشرہ ہے اس موقع پر اور باہر کی پوری دنیا میں یہ شب لیلۃ القدر یعنی 27ویں رمضان کی شب ہے کتنی نعمتیں ایک وقت میں جمع ہو گئیں گفتگو شروع کرنے سے قبل میں ان تمام ہزاروں لاکھوں حاضرین سامعین اور محبین کو خطاب کر لوں جو برطانیہ میں ڈنمارک میں پیرس میں بیلجیم میں جرمنی میں اور یورپ یا امریکہ نارتھ امریکہ کے دیگر ممالک میں آج ہماری مجلس میں
बोध मकानी के बावजूद शरीक है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ख़ास तौर पर शहजाद शफ़ी और अल्लामा मुहिबुल्ला अजहर, जिन्होंने नेल्सन में नेल्सन रेडियो के ज़रिए लाखों सामेईन तक इस खिताब के पहुँचाने का एहतमाम कर रखा है, और बर्मिंगम के एजाज सिद्दीकी और अजहर सईद साहिबान, जिन्होंने वालसाल रेडियो के ज़रिए 10,000 के करीब सामेईन तक आज की बात पहुंचाने का अहतमाम किया है, और नेल्सन वानों ने 1,00,000 सामेईन तक पहुंचाने का अहतमाम किया है। लंदन का मरकज़ इस वक्त हज़ारहा अफराद के साथ मामूर है, जिनमें बेटा हसन मुहियुद्दीन सदर सुप्रीम कौंसिल तहरीक मिनहाजुल कुरान भी उनके साथ है, अल्लामा मोहम्मद इदरीस राना और अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सईद समेत बाकी फ़ज़ला और बिशारत जसपाल और हाफिज़ सिराज इलाही जैसे वहाँ के मकामी कायदीन भी हैं। इस तरह डेनमार्क में अजीम शान इज्तिमा है, ये मुसलसल टेलीफोन के ज़रिए यहाँ राबता है और इत्तला आ रही है, और चौधरी मोहम्मद सरवर जो वहाँ की नई इंतज़ामिया के तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर मुकरर हुए हैं, और अल्लामा हसन आवान और हाफिज़ अल्लामा एहसान समेत यूथ के बेटे बेटियाँ और बेशुमार लोग सामेईन हाजरीन हाजिर हैं। फ्रांस का इज्तिमा एक तारीखी और अजीम इज्तिमा है, अलहाज गुलजार अहमद साहब और अल्लामा हाफिज़ इकबाल अहमद की क़ियादत में और हाजी मोहम्मद असलम और पूरी इंतज़ामिया की क़ियादत में लोग आज की इस मजलिस के साथ शरीक हैं, और उनके सदर अल्लामा शेख ज़ाहिद फ़याज़ और अल्लामा सूफ़ी महर मोहम्मद अरशद वो हमारे साथ मेरे सामने बैठे हैं। ब्रसल्स में बेल्जियम में अजीम इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, जो आपके इज्तिमा के साथ ये सब एक्सटेंशंस हैं, ये एनेक्सीज हो गई हैं, एक्सटेंशंस हो गए हैं, मिल गए हैं। अल्लामा हाफिज़ नज़ीर अहमद मरकज़ी नायब अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान की क़ियादत में और हमारे सूफ़ी बासफ़ा हाजी मोहम्मद सिद्दीक, और फ्रैंकफर्ट में अजहर फारूक और अल्लामा हाफिज़ इशफाक आलम कादरी, और इस तरह दीगर तमाम ममालिक में, अब उनके मैं एक एक करके नाम नहीं गिनवा सकता, वो सारे इस आज के इज्तिमा में यूनान में, स्पेन में, इटली में, अलाज़ुल क़यास अमेरिका में, फ्रेंक और टोरंटो में बहुत सी जगह हैं और होंगी जो आज के इस इज्तिमा में आपके साथ सिमाई सूरत में शरीक हैं और रूहानी तौर पर आपके साथ मुत्तसिल हैं। मैं उन सब को ख़िताब करते हुए और उन सब को अपनी तवज्जो में शरीक करते हुए मुबारकबाद के साथ मज़मून की इब्तिदा कर रहा हूँ।